हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम HCS यानी हरियाणा सिविल सर्विस या फिर हरियाणा का स्टेट PCS के बारे में बात करेंगे। जब से नोटिफिकेशन आया है या फिर हर बार जब जब वैकेंसी आती है, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस बड़े कॉमन होते हैं। एक तो ये होता है कि हम लोग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने हैं वो कौन सा सब्जेक्ट चुने। जितने भी टोटल सब्जेक्ट हरियाणा के अंदर नोटिफिकेशन में दिए जाते हैं, जैसे 2021 वाले नोटिफिकेशन में 25 सब्जेक्ट टोटल दिए गए हैं, और उसमें से आप लोग खास करके अलग अलग कैटेगरी के अंदर अगर जाएंगे, तो जो कॉमन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर लगभग 7-8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप लोग शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो या शॉर्ट लिस्टेड रख सकते हैं। यानी टोटल जो ऑप्शनल हैं उनमें से कौन से 5-6 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको आप शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हो, और उन 5-6 में से कौन सा सब्जेक्ट जो आप चुनेंगे उसका आधार क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए, क्यों वो सब्जेक्ट चुनना चाहिए, क्या उसके अंदर आप चुन लेंगे अगर वो, तो क्या वो फैसला आपका सही होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपको लटका देगा, ऐसा है तो फिर आप लोग उसके बारे में एक बार फिर सोचिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। हरियाणा PCS HCS के अंदर आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल आपका यहाँ पर इसके लिए होने वाला है। तो आइए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले जितने भी UPSC का एग्जाम हो, सिविल सर्विस का, या फिर स्टेट PCS हो यानी IAS का एग्जाम हो, या फिर हर राज्य का स्टेट PCS हो, पूरे इंडिया में हमारे हैंड रिटन नोट्स जाते हैं क्लासेस के अंदर बनाए हुए, एक्सपर्ट के द्वारा बनाए हुए। इनको आप लोग पूरे इंडिया में इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑप्शनल का चुनाव या तो खुशियां ही खुशियां देगा या जिंदगी भर का गम और पछतावा दे जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि या तो ऑप्शनल आपको सिलेक्शन दिला देगा, टॉप ला देगा, या फिर आपको बिल्कुल बाहर कर देगा। आपको ये भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो आइए देखते हैं, कुछ सब्जेक्ट को देखते हैं। जो हरियाणा के HCS के नोटिफिकेशन में जो टॉप के 25 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल के रूप में, उनमें से कुछ सब्जेक्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, क्योंकि हर बार बच्चों के स्कोर देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, या फिर एक्सपर्ट लोगों से बात करते हैं। मैं खुद लगभग 15-16 सालों से इस लाइन में हूँ। दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैं लगभग 2007 से हूँ, और इतने सारे बच्चों को, चाहे हमने कोचिंग दिया हो, चाहे बच्चों के साथ मिलकर हमने सेमिनार किए हों, या मैंने खुद दो दो बार IAS के इंटरव्यू को फेस किया हो, इस सेक्टर के अंदर मैंने एक चीज जरूर देखी है कि कोई भी सब्जेक्ट हमेशा परमानेंट स्कोरिंग नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट हमेशा से कमजोर नहीं होता है। तो ये चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भाई ने लिया तो मुझे भी लेना है, सर ने बताया तो मुझे यही लेना है, इस नंबर में, इस सब्जेक्ट में नंबर आए हैं तो मेरे भी आएंगे, इस सब्जेक्ट में किसी के नहीं आए तो मेरे क्यों नहीं आएंगे, इन चीजों को आप छोड़ दीजिए। कुछ सब्जेक्ट के नाम बता रहा हूं मैं आपको, 25 जो टोटल सब्जेक्ट दिए गए नोटिफिकेशन में, जिनमें से आपको चुनना है, उनमें से कुछ सब्जेक्ट बता रहा हूं। इंग्लिश लिटरेचर आपका, हिंदी लिटरेचर आपका, इंडियन हिस्ट्री आपका, पॉलिटिकल साइंस एंड IR आपका है, ज्योग्राफी आपका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका है। ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम आमतौर पर शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं। अब इनमें से 2 सब्जेक्ट तो आप स्टार्टिंग के देख लीजिए। अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर है, ये तो हम हरियाणा PCS की बात कर रहे हैं। अगर हम सिविल के ऊपर चले जाएं, आए UPSC की तरफ भी चले जाएं, तो जितने भी लैंग्वेज का लिटरेचर होता है ना, वो जबरदस्त होता है। खास करके सिविल सर्विस के अंदर अगर आपके लिटरेचर पर कमांड है, आपकी लिखाई अच्छी है, आप अच्छा लिखते हैं, और आपकी पावर ऑफ एक्सप्लेनिंग और थॉट्स जो है वो नेक्स्ट लेवल का है, तो मेरे दोस्त, आपके पास लिटरेचर से बेस्ट ऑप्शन दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि UPSC के अंदर अगर आप बात करें सिविल सर्विस में, तो 300+ तक बच्चे लिटरेचर में ले आते हैं, केरला तमिल जैसे लिटरेचर में, और हिंदी लिटरेचर जैसे में भी बच्चे 312 313 यहाँ तक मार्क्स आमतौर पर ले आते हैं। तो लिटरेचर अगर आपके पास है, लिटरेचर की कमांड अगर आपके पास है, ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया स्कोरिंग है, ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो मैं ले लूं, नहीं। अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपकी राइटिंग अच्छी है,
आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखने का मतलब राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी एक अलग चीज है, अच्छा लिखते हैं मतलब जो आपने लिखा है उसको बंदा जब पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो लिखा है इसने। वह आप किसी पढ़ने वाले व्यक्ति को मजबूर कर सकते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए पेपर को पढ़ना सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है। और जब आपका लिखा हुआ क्वेश्चन उस पेपर चेक करने वाले को पढ़ने पर मजबूर कर देता है, तो इसका मतलब यह है दोस्त कि आप अच्छा लिखते हैं। एक तो ये चीज, दोनों की दोनों लैंग्वेज की बात, लिटरेचर की बात मैं कर रहा हूं। तीसरा ऑप्शन आपके सामने रखता हूं मैं, इंडियन हिस्ट्री का। इसमें आपके पास जो हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है वो आपका जबरदस्त। हिस्ट्री के अंदर मार्क्स कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल होगा जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर आपका आता है पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस का। इसका भी जबरदस्त ग्रोथ हुआ है पिछले 3-4 सालों के अंदर, और अब आप आज के समय इसके ऊपर सोच सकते हैं, इसको ऑप्शनल के रूप में दावे के साथ ले सकते हैं। वो भी मैं आपके आपको बताऊंगा कैसे रहेगा। फिर आपके पास आता है ज्योग्राफी, और उसके बाद आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं, हालांकि बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, आपकी जो मर्जी आप वो ले सकते हैं। और आगे मैं कोई ऑप्शनल क्यों लेते हैं उसके जब आधार बताऊंगा, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं, वो आपकी च्वाइस होगी। जिंदगी आपकी, फैसले आपके, सफलता आपकी, असफलता आपकी, हम सिर्फ बता सकते हैं जो हमने जिया है, जो हमने देखा है, जो हमने सीखा है, वो हम आपके साथ साझा किया है और करते रहेंगे। और बहुत सारे लेक्चर्स मेरे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी के क्रैश कोर्स भरमार मिलेगी लेक्चरों की, जिनको लाखों बच्चों ने बहुत बार बार देखा है। तो इसके बाद बात करते हैं, ये तो कुछ सब्जेक्ट थे जिनको हम 25 में से शॉर्टलिस्ट करते हैं, खासकर कुछ आधार बना करके। अब आगे आकर बात करते हैं कि कोई भी ऑप्शनल अगर आप चुनते हैं तो वो कैसे चुनेंगे। अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आप बोलोगे सर मैं फॉर्म तो अप्लाई कर दूंगा बट मैं ऑप्शनल कौन सा लूं, तो हम कौन से आधार बनाएंगे। नंबर एक पर हम कहेंगे कि ऑप्शनल आपको वो लेना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको मजा आए, जिसको आप सोचो कि यार थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, अब तो इसको मैं खत्म ही कर देता हूँ। ये होती है रुचि, ये होती है इंटरेस्ट, जो आपके अंदर एक प्रकार से इंटरेस्ट पैदा करता हो। एक तो ये सबसे बड़ा मेन आपका आधार होता है। दूसरा होता है मार्क्स गेनिंग। मार्क्स गेनिंग को कुछ बच्चे या फिर उस भाषा में हम लोग स्कोरिंग बोलते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जो स्कोरिंग हो, स्कोरिंग, ये देखो अलग अलग धारणाएं होती हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिनका पिछली बार सिलेक्शन हो गया, जिनको एक बार पहले सिलेक्शन हो गया, जिनके भाई का सिलेक्शन हो गया, जिनके पति का, पत्नी का सिलेक्शन हो गया, एक तो उन लोगों की किसी भी बात के अंदर आसानी से इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। अगर ऐसा होना होता तो फिर सारे बच्चों को हम पता नहीं कब का इन्फ्लुएंस कर चुके होते। किसने क्या किया वो आपके ऊपर लागू होगा, ये जरूरी नहीं है। सक्सेस होने के बाद या फिर किसी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाने के बाद इंसान की टोन वही फेयर रहेगी जो होनी चाहिए, ये गारंटी नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद उनके ऊपर काफी सारे दबाव होते हैं। किसी कोचिंग वाले ने बोल दिया होता है कि मेरे सब्जेक्ट का नाम ले देना, मैं आपको ये सपोर्ट कर दूंगा, तो उसको वो भी लेना होता है। किसी पब्लिशर का नाम के लिए सब्जेक्ट का नाम लेना होता है, वो भी वो ले लेता है। तो आप उन चीजों पर मत जाइए, हम यहाँ पर फैक्ट पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर आपका मुद्दा है बैकग्राउंड। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था, 11th 12th में हिस्ट्री था, मैं हिस्ट्री ले लेता हूँ। सर मेरे पास 11th 12th और ग्रेजुएशन में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था, नेट भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में कर लिया मास्टर करने के बाद, और मैं PhD भी कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा UGC नेट तक हिंदी में है और मैं हिंदी का प्रोफेसर भी हूँ और कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हिंदी ले लेता हूँ। यानी ये होता है आपका बैकग्राउंड, तीसरा आधार आपका ये हो सकता है। चौथा आधार बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर मैं ऐसा सब्जेक्ट लूँ जो मुझे GS में मदद करे, GS में मदद करे, नोट दिस पॉइंट, GS में आपकी मदद करे, जो आपका जनरल स्टडी वाला पेपर आता है उसमें आपकी जो हेल्प करता है वो आपके पास हो। अब यहां पर क्या होगा, इसमें आपके सामने कई सारी कंडीशंस होती हैं।
क्योंकि अगर आपने ऑप्शन लेना है तो जो ऑप्शनल आपने लिया है अगर वो ऑप्शनल आपकी इस बात में मदद करता है कि उससे आपको ये फायदा हो जाता है कि आपका जीएस में भी मदद मिल जाती है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो उससे जो जीएस वाले पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली कर लेंगे। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं वो आपको वहां पर मदद हो जाएगी। ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स में भी आपका यही है, बट इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं होता, हमेशा से बच्चे पिटते आते हैं, तो वहां पर आपका कोई फायदा बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद एक और आधार आपका हो सकता है मटेरियल नोट्स। कुछ बच्चों की ज्यादा बार बार डिमांड होती है कि सब्जेक्ट वो लेना चाहिए सर जिसमें मटेरियल मिल जाए, नोट्स मिल जाए, किताबें मिल जाएं, बहुत सारी चीजें मिल जाएं। ये चीज है, अब इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये चीजें पहले होती थी, आजकल हर चीज की बुक, हर चीज की किताब, हर चीज का वो है। उसके बाद ये चीज अगर इस आधार को हम बनाते हैं तो आपके पास ये मोटे मोटे कुछ आधार बन सकते हैं। अब एक चीज जो सबसे बेसिक है जिनके ऊपर आप लोग सोच सकते हैं, बैकग्राउंड वाला छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपके पास टाइम पर्याप्त होता है। बहुत सारे बच्चे हैं साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और सोशल सब्जेक्ट लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये बैकग्राउंड नहीं होता है, तो ये आधार आपका बिल्कुल बिना विचारणीय होता है। उसके बाद मटेरियल नोट्स की, हर चीज के बारे में सारी चीजें उपलब्ध हैं, आज के समय कोई दिक्कत नहीं है। तीन आधार आपके रह जाएंगे, एक आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एक आपका मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपका जीएस में हेल्प करने वाला होना चाहिए। जिस एक चीज याद रखिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसको आप अच्छे से तैयार नहीं कर पाओगे। ये चीज इसके लिए जितनी जरूरी है, बट एक चीज आप जरूर देख लेना, अगर आपको पीसीएस निकालना है, अगर आपको एचसीएस बनना है, अगर आपको अपने कंधे पर स्टार चाहिए, अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा सब्जेक्ट में। और स्कोरिंग का जो सबसे बड़ा लॉजिक होता है वो यही होता है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं वो आपकी हेल्प कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन दिलाने में, फाइनल कट ऑफ में आपको निकाल के ले जाते हैं। तो इसलिए जो पहला आधार आपको बनाना है वो बनाना है उन सब्जेक्ट को, उन दो तीन सब्जेक्ट को आप लोग शॉर्टलिस्ट कर लीजिए जो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। पहला आधार आपका स्कोरिंग की तरफ जाएगा। कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर ये स्कोरिंग है ये नहीं है, जो स्कोरिंग नहीं है उसको मैं स्कोरिंग बना के दिखाऊंगा। भाई जिद पालना है तो जिंदगी आपकी है खराब, आप कर लीजिए, बाद में पछतावे के अलावा क्या बच जाएगा। अब जिंदगी भर का रिस्क हम ही क्यों लें और जिंदगी भर का रिस्क आप ही क्यों लें, हम ये भी नहीं चाहते हैं। जिसमें नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कोई कमी हो सकता है कोई मटेरियल में दिक्कत हो सकता है कि कौन सा कंसेप्ट हो रहा हो सकता है कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है उसमें वो चीज हो ही ना, वो अप्रोच ही नहीं बन पा रही हो स्टूडेंट्स की, तो आप उस रिस्क को लेना क्यों चाहते हैं। अपने पांव अपने सामने रखी हुई कुल्हाड़ी पर मारने का शौक आपको लगा क्यों है। तो इसलिए जिद मत पालिए, उस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए जो स्कोरिंग है, जो मार्क्स गेनिंग है। पहला आपका ये रहेगा। दूसरा जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट अगर आपके तीन मिल गए, टोटल में से तीन आपने सब्जेक्ट 25 में से तीन सब्जेक्ट ऐसे निकाल लिया आपने जो मार्क्स गेनिंग है, और उनमें से दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट अच्छा है और एक में बिल्कुल ही नहीं है, तो उस बिल्कुल वाले को छोड़ दीजिए, दो आपके पास बच जाएंगे, इनमें से कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा आधार जो आपका होगा, वो होगा आपका जीएस रिलेटेड। अगर जीएस में आपको मदद मिल जाती है उससे, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाना है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी जीएस का बहुत बड़ा रोल है, मेंस में भी जीएस का बहुत बड़ा रोल है। अगर जीएस को सपोर्ट करने वाला वो सब्जेक्ट आपको मिल रहा है तो फिर सोने पर सुहागा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बहुत बड़े ज्ञानी बाबा मिल जाएंगे समाज में जो तैयारी तो करेंगे हरियाणा पुलिस की, लेकिन सलाह देंगे आपको एचसीएस की, जो तैयारी तो करेंगे ग्राम सचिव की लेकिन बनाएंगे आपको डीएसपी, जो तैयारी तो करेंगे किसी भी छोटे एग्जाम की लेकिन बनाएंगे आपको हरियाणा के अंदर बड़े लेवल का ऑफिसर। लेकिन दोस्तों, बोलने से
कैमरे के आगे बोलने से, मोबाइल और कंप्यूटर के ऊपर बोलने से, या फिर किसी क्लास में बोलने से सिलेक्शन हुआ नहीं करते, सिलेक्शन करवाए नहीं जाते। ये चीज वही इंसान बता सकता है जिन्होंने अपने 15-20 साल इस लाइन में खपाए हों और जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ किया हो। वरना 5-10 मिनट के अंदर किसी की वीडियो देखकर, किसी की बातें सुनकर कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपको ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज में कितनी गहराई होती है, किस बात में कितनी डेप्थ होती है। अदरवाइज वो चीज बहुत खतरनाक हो जाएगी। 1 मिनट के लिए कोई भी इंसान कुछ भी बोल के निकल जाएगा और आप लोग उसके पीछे चल के सारी चीजें खत्म कर लोगे। क्योंकि आप सोचिए, HCS हरियाणा की अगर हम बात करें तो कितने कितने साल बाद वैकेंसी आती है, और वैकेंसी जब आती है तो नाम की आती है। कभी 50 पोस्ट आ गई, कभी 54 आ गई, 54 आ गई, कभी 70 आ गई, कभी 72 आ गई। क्या मतलब है, जब आप लोगों को ना के बराबर पोस्ट मिल रही हैं और उसमें भी आप लोग सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, या उसमें भी आप लोग एक एक कदम को फूक फूक कर नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि सिलेक्शन होगा? दोस्तों, आपका मुकाबला आपके साथ काम वाले बच्चों के साथ नहीं है, आपका मुकाबला उनके साथ नहीं है जिन्होंने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा था, उसका एग्जाम हुआ नहीं और HCS आ गया तो भर दिया। जिन्होंने ग्राम सचिव की तैयारी की थी, वो एग्जाम चलो हो जाएगा लेकिन उससे पहले HCS ट्राई कर लेते हैं, आपका मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपका मुकाबला उनके साथ है जो सालों से HCS का वेट कर रहे हैं, जो सालों से दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में बैठ करके IAS की तैयारी कर रहे हैं। आपका मुकाबला उनके साथ है जो ऑलरेडी अच्छी अच्छी पोस्टों पे सिलेक्शन लेकर अपने आप को HCS में लाना चाहते हैं। आपका मुकाबला उनके साथ है जो सालों से पढ़ा रहे हैं लेकिन अपने आप को आज भी वो PCS अफसर देखना चाहते हैं। उनके साथ मुकाबला है, और अगर उनके साथ मुकाबला है तो आपको उनके बराबर का बनना पड़ेगा। चाहे आपको सब्जेक्ट को चुनने में बनना हो, चाहे मेहनत करने में बनना हो, चाहे आपको अपने जज्बे को तैयार करने में, ये चीज आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो फिर आप लोग इस HCS खास करके इसके लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये चीज मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं, क्लासेज में भी, सेमिनार्स में भी, हर बार आप लोगों को ये बताया जाता है कि कम से कम आप लोग, अगर आप HCS की तैयारी आज कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोग आज से HCS के लेवल का सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप PCS अफसर की तैयारी कर रहे हैं तो PCS की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। ये चीज मैटर करती है। जिसने सिलेक्शन ले लिया वो आकर के आपको क्या बोल गया, या जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो आपको क्या बोल गया, ये चीजें आपके दिमाग पर असर करती हैं। बट इनको इतना भी सीरियस मत लीजिए कि अपने आंखों पर पट्टी बांधी और उसके बाद निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब से वैकेंसी आई है, इतने कोचिंग वाले, इतने मतलब एप्लीकेशंस वाले, इतने सारे क्लासेज वाले आपको अलग अलग तरीके की गाइडेंस देंगे, 2-4 वर्कशॉप देंगे, 2-4 सेमिनार करेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट का गुणगान करेंगे और फिर आप लोगों को 1 सेकंड में कन्वर्ट करके अपने यहाँ एडमिशन दिलवा कर मजबूर कर देंगे कि आप यही पढ़िए। और जब नहीं होगा तो फिर बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम, फिर दोबारा वैकेंसी आएगी, डोंट वरी यू कैन डू, ये कह करके वो पैसा लेकर निकल जाएंगे। लेकिन आपका चांस गया, और सिर्फ वो चांस नहीं गया, अगले वाले 3-4-5 साल फिर चले गए, क्योंकि हर बार वैकेंसी नहीं आनी होती है, 4-4-5-5-6-6 साल बाद वैकेंसी आती है और वैकेंसी ना के बराबर होती है। अगली बार क्या हालात होंगे, आपकी सिचुएशन में होंगे, क्या तैयारी होगी, क्या संभावनाएं होंगी, ये कोई नहीं जानता है। तो आप ये मानकर चलिए यही मौका हमारे लिए आखिरी है, और इसमें मैं किसी के कहने से, किसी के सुनने से कोई गलती नहीं करने वाला हूँ। सिविल सर्विस के क्षेत्र में दोस्तों ऑप्शनल चुनना सबसे बड़ा फैसला होता है। इसमें गलती हुई तो कहीं के नहीं रहोगे, चाहे वो PCS की बात हो, चाहे वो UPSC की बात हो, ये चीज मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं वो चीजें आप लोगों को समझ में भी आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। पसंद आना ना पसंद आना आपके ऊपर डिपेंड है, आप मेरे विचारों से एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों ने रियल में सिविल सर्विस की तैयारी की होगी वो हम सबको जानते हैं, उन बच्चों ने पता है कि सर कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं बोलते जिसकी वजह से, जिसके कोई फैक्ट ना हो। और जिन बच्चों, आप एग्री हो सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जो फैक्ट पर बात की है
उसको आप लोग डिसएग्री कभी नहीं कर सकते। जहां जहां हम लोगों की आप लोगों को जरूरत पड़े आप लोग बेझिझक हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप लोग तैयारी करके जाएंगे वहां पर आप लोग अपना बेस्ट देंगे, ये हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे लेक्चर चैनल पर आने वाले हैं, यूट्यूब के ऊपर सारी क्लासेस प्रयोग कोस्ट मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय डालेंगे तो हमारा लेक्चर मिलेगा, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री डालेंगे, मिडिवल हिस्ट्री डालेंगे, गुलाम वंश और आपका मुगल वंश है, तुगलक है, खिलजी है, यानी पूरा हिस्ट्री आपका शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा है। पॉलिटी के अंदर पूरे के पूरे सारे लेक्चर डाले गए हैं जिसमें आपको